सपनों की रानी, होगी तुमको हैरानी, मैं तो तेरा दीवाना रे। कल जहां अभिनेता इरफान खान के निधन के शोक से लोग उभरे भी नहीं थे, वहीं आज अभिनेता ऋषि कपूर के निधन से लोग शोक सागर में डूबे हुए हैं। अरे बिकते तो सभी हैं, कुछ पैसों से तो कुछ जज्बात से। आज हम अभिनेता ऋषि कपूर के फिल्मी दुनिया में बिताए 44 साल को याद करके उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। अभिनेता ऋषि कपूर के पिता राज कपूर बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता व निर्माता निर्देशक थे। अपने फिल्मी दुनिया की शुरुआत ऋषि कपूर ने अपने पिता द्वारा निर्मित मेरा नाम जोकर से की थी। 1970 में प्रदर्शित इस फिल्म में ऋषि कपूर ने 14 वर्षीय लड़के की भूमिका निभाई, जिसे अपनी शिक्षिका से प्रेम हो जाता है। इस फिल्म में अभिनेता ऋषि कपूर के किरदार को देखकर दर्शक भाव विभोर हो गए। वर्ष 1973 में बनी फिल्म बॉबी से बतौर अभिनेता ऋषि कपूर ने अपने सिनेमा करियर की शुरुआत की। युवा प्रेम कथा पर बनी इस फिल्म में नायिका की भूमिका डिंपल कपाड़िया ने निभाई। बतौर अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की यह पहली फिल्म थी। इसके बाद वर्ष 1975 में फिल्म खेल खेल में ऋषि कपूर ने कामयाबी हासिल कर अपनी पहचान बनाई। इस फिल्म में नायिका का किरदार नीतू सिंह ने निभाया। फिल्म खेल खेल में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की जोड़ी दर्शकों के बीच में काफ़ी मशहूर हो गई। इस प्रकार फिल्मी जगत में आगे बढ़ रहे ऋषि कपूर की कई फिल्में आईं। वर्ष 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथनी ऋषि कपूर की काफ़ी महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में उन्हें जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टारों के साथ किरदार निभाने का मौका मिला। दोस्तों, अभिनेता ऋषि कपूर की आपको कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वर्ष 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर से शुरू हुई ऋषि कपूर की फिल्मी दुनिया 2014 में अंतिम फिल्म बेवकूफियां में आकर समाप्त हो गई। अपनी कलाकारी से सबका ध्यान आकर्षित करने वाले अभिनेता ऋषि कपूर आज पूरी दुनिया को अलविदा कह गए। सपनों की रानी, होगी तुमको हैरानी, मैं तो तेरा दीवाना रे। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। मेरे सपनों की रानी, होगी तुमको।